वेलकम स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है फॉर सेकेंड एंड थर्ड में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। डिस्क्रीट का काम जो है वो हम पहले कर चुके थे, अभी आपके पास जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का काम है। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में भी हमारे पास जो वेरिएबल है वो बाईवेरिएट है। बाईवेरिएट वेरिएबल का मतलब वो होता है कि वो वेरिएबल है जिसके अंदर जो है वो दो वेरिएबल्स इंक्लूड हैं, एक वेरिएबल एक्स और दूसरा वेरिएबल वाई। डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स एंड देयर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई। इट्स मीन के एफ ऑफ एक्स वाई में एक्स वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा और वाई भी। देन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस आर, अब एफ ऑफ एक्स वाई क्योंकि हमारे पास जॉइंट है, जॉइंट में से हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमें जो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट वाई एफ ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई। इट्स मीन कि अगर हमें जी ऑफ एक्स चाहिए, जी ऑफ एक्स का मतलब है कि अगर हमें एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हम जॉइंट फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और लिमिट्स भी वाई की ही अप्लाई करेंगे। अगर जी ऑफ एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो वाई की रिस्पेक्ट से जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, और अगर हमें वाई की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जिसको डिनोट कर रहे हैं एच ऑफ वाई से, तो हम जॉइंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। जॉइंट फंक्शन में से मार्जिनल निकालने के लिए ऑपोजिट वेरिएबल के अगेंस्ट जो है वो इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर जी ऑफ एक्स चाहिए तो हम जॉइंट फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और अगर एच ऑफ वाई चाहिए तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेट करने से क्या होगा कि जब आप इस जॉइंट एफ ऑफ एक्स वाई की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे और लिमिट्स वाई की अप्लाई करेंगे तो वाई का फंक्शन गायब हो जाएगा, वाई की वैल्यूज गायब हो जाएंगी और ये फंक्शन जो है वो सिर्फ जी ऑफ एक्स का या एक्स वेरिएबल में ही रह जाएगा। इसी तरह से अगर आप विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स करते हैं, डी ऑफ एक्स करने से एक्स जो है वो वेरिएबल एक्स खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा और सिर्फ हमारे पास जो है वो वाई का फंक्शन रह जाएगा। अब हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हम यहाँ ऊपर से फाइंड कर लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ डिफरेंस एक्स स्क्वायर में जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा कि जहाँ पे एक्स था उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, y की इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स y की अप्लाई करेंगे, y h ऑफ y, ये h ऑफ y हमने ऊपर फाइंड किया y विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y। इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर है, वो डिफरेंस जो ऊपर x में था x स्क्वायर आ जाता है, नीचे जो है वो हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। वेरियंस का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ये लास्ट टाइम भी किया है। वेरियंस किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरियंस ऑफ x, वेरियंस ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। वेरियंस ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होल स्क्वायर। अच्छा, ये एक्सपेक्टेशन देख लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ दोनों फंक्शन आ रहे हैं, x का भी आएगा और y का भी आएगा। इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, x ऑफ y यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y चाहिए। x y मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, यहाँ डबल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, कोवेरियंस और कोरिलेशन है नेक्स्ट। ये कोवेरियंस और कोरिलेशन मैंने आपको जो क्लास में लेक्चर कराया था उसमें एक्सप्लेन कर दिया था, मैं अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, यहाँ सिर्फ आप इसका फार्मूला देख लें। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। कोरिलेशन, कोरिलेशन की नोटेशन जो होती है, इट इज इक्वल्स टू सी ओ आर एक्स एंड वाई, इट इज इक्वल्स टू को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई। ये सारे फार्मूले को वेरियंस का, ये रहा ऊपर ये वाला फार्मूला, वेरियंस ऑफ एक्स का भी गिवन है और वेरियंस ऑफ वाई का भी गिवन है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज नंबर टू पर आ जाएं। पेज नंबर टू पे वो कह रहे हैं इफ वी हैव अ जॉइंट फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स वन, सॉरी रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन बिलो। ये हमें एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, एक्स की लिमिट जीरो टू टू है और वाई की लिमिट जो है वो जीरो से वन है। अगर इन दोनों लिमिट्स के अलावा फंक्शन कहीं और आता है तो इट इज इक्वल्स टू जीरो। हमने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जी ऑफ एक्स चाहिए तो हम अपने इस ज्वाइंट फंक्शन की
इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ऑपोजिट साइन के, ऑपोजिट वेरिएबल के साथ जो है वो हमने इंटीग्रेशन करनी है। अगर जी ऑफ एक्स चाहिए तो हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और लिमिट्स भी वाई की अप्लाई करेंगे। वाई की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम जीरो टू वन। तो इसको सॉल्व करें, आंसर इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। नेक्स्ट एच ऑफ वाई चाहिए, एच ऑफ वाई वाई है, तो हम ज्वाइंट फंक्शन, ये जो हमें गिवन है, इस ज्वाइंट फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट भी एक्स की अप्लाई करेंगे। एक्स की लिमिट है फ्रॉम जीरो टू टू, जीरो टू टू लिमिट अप्लाई की, इट इज इक्वल टू वन प्लस थ्री वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। अब यहाँ पे देख लें कि अगर जी ऑफ एक्स है तो सिर्फ एक्स वेरिएबल में फंक्शन आ गया, और अगर एच ऑफ वाई है तो सिर्फ वाई में आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने पुट किया, सारी वैल्यूज हैं, सॉल्व किया, 4 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, इसको सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 8। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, विद रिस्पेक्ट टू x इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर g ऑफ x इंटू डी ऑफ x, इट इज इक्वल्स टू 2। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 1466। इंटीग्रेशन आप खुद कर लीजिएगा, यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करके करती तो आपका लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता। वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई में फार्मूला पुट किए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 0.222, और सिमिलर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देखें, इसका फार्मूला है हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। इसको आप करके देखिएगा, इसका आंसर इज इक्वल्स टू 5 / 6 है। कोवेरियंस निकालेंगे, कोवेरियंस का फार्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास हैं, इसको पुट करेंगे, इट इज इक्वल्स टू 0। कोरिलेशन कब में अगर आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन या कंडीशनल मीन। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और कंडीशनल मीन मैंने आपको करवा दिया था डिस्क्रीट के लिए, अब यहाँ कंटिन्यूस के लिए करेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल्स, देन एफ ऑफ एक्स वाई इज अ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। एफ ऑफ एक्स गिवन दैट वाई इज कॉल्ड द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन दैट वाई एंड इट मे बी डिफाइंड एस। अब हमने यहाँ पे कंडीशनल लेनी है, कंडीशनल किसके इक्वल होगी? एफ ऑफ एक्स गिवन दैट वाई, इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच ऑफ वाई। या अगर x और y की जगह चेंज कर देते हैं, x की जगह y और y की जगह x कर देते हैं, देन इट इज इक्वल्स टू y ओवर x, सॉरी y ओवर x नहीं कहेंगे इसको, y कंडीशनल दैट x। इसको रीड करेंगे f ऑफ x गिवन दैट y, और इसको रीड करेंगे f ऑफ y गिवन दैट x, इट इज इक्वल्स टू जॉइंट फंक्शन डिवाइडेड बाय g ऑफ x। इन दोनों फार्मूला में जरा डिफरेंस देख लें, अगर हमारे पास गिवन दैट y है तो यहाँ डिनोमिनेटर में h ऑफ y आ जाएगा, अगर गिवन दैट x है तो यहाँ डिनोमिनेटर में g ऑफ x आ जाएगा। अब हमने करनी है, सॉरी ये नोन ही है, यहाँ नाउन, नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन दैट y इज डिफाइंड एज। अब एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x गिवन दैट y इज इक्वल्स टू x। क्यों क्यों? यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास x है तो मैंने x यहाँ पे लिखा, s x f ऑफ x गिवन दैट y इंटू d ऑफ x। ये f of x given that y कहाँ पर है? ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये वाली क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मैंने f of x given that y जो ऊपर वाला फार्मूला था उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो इट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x given that y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y given that x। अब यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा कि यहाँ पे देखें y है तो यहाँ पे मेरे पास y आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y करेंगे। दोनों फार्मूला दोबारा समझा देती हूँ, ये देखें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है तो x और विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x, यहाँ पे y है तो y और विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y इंटीग्रेट करनी है। x गिवन दैट y है यहाँ पे तो यहाँ पे f ऑफ x गिवन दैट y यूज होगा, यहाँ पे y गिवन दैट x है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो y गिवन दैट x यूज हो जाएगा, और उसका फार्मूला ये है। पेज 4 पर आ जाएं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। If x and y have the joint distribution given below, x and y की joint distribution given है हमें, अब हम इस joint distribution को जो है वो इसमें से expected value of x निकाल लेते हैं, expected value of y, expected value of x and y, covariance, correlation
और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन दैट एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट वाई। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको जी ऑफ एक्स, क्योंकि अभी पिछले एग्जाम्पल में भी करा दिया था, वो 2 निकाल लिया है, एच ऑफ वाई भी डायरेक्ट निकाल लिया, इट इज इक्वल्स टू 2y। अच्छा, यहाँ पे जो आपने चीज देखनी है वो ये देखनी है कि इस फंक्शन की जो x की लिमिट है वो है फ्रॉम 0 टू y और y की लिमिट है फ्रॉम 0 टू 1। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएं, f ऑफ x गिवन दैट y, इसका फॉर्मूला f ऑफ x y डिवाइडेड बाय h ऑफ y। इसी तरह से हम जो है वो दूसरे के लिए कर लेंगे, वो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, f ऑफ y गिवन दैट x इज इक्वल्स टू जॉइंट फंक्शन, गिवन दैट में x है तो यहाँ डिनोमिनेटर में g ऑफ x आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 1। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x गिवन दैट y, इसका फार्मूला होगा x f ऑफ x y इंटू d ऑफ x। फार्मूला याद करने का आसान तरीका ये है कि देखिए, आपको यहाँ पे x गिवन है तो यहाँ पे आपने x लिखना है और d ऑफ x लिखना है। अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ y होगा और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। सिंपल इंटीग्रेशन करें और इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 5 पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x मैंने निकाला है, इट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं कंडीशनल मीन या कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। अब कंडीशनल वेरिएंस देख लेते हैं। कंडीशनल वेरिएंस किसके इक्वल होता है? कंडीशनल वेरिएंस की नोटेशन है हमारे पास वेरिएंस ऑफ x गिवन दैट y, इट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर गिवन दैट y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x गिवन दैट y का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी अभी हमने पेज नंबर 4 पे सॉल्व की हुई है, हमें सिर्फ ये वाली क्वांटिटी पता करनी है कि ये किसके इक्वल है। अगर y गिवन दैट x होगा तो नोटेशंस जो है वो अल्टरनेट हो जाएंगे, x की जगह पे y और y की जगह पे जो है वो x आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हम ये वाली क्वांटिटी भी कर चुके हैं पिछले पेज से, ये वाली भी कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए। ये किसके इक्वल होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन दैट y, इट इज इक्वल टू, देखें यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स भी एक्स की लगेंगे। अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई की इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स भी वाई की लगेंगे। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स गिवन दैट वाई, ये पीछे से मुझे पता था इट इज इक्वल टू 1 बाय वाई एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। पेज नंबर 6 पर आ जाए, वेरियंस ऑफ एक्स गिवन दैट वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट वाई का होल स्क्वायर। ये दोनों क्वांटिटीज मेरे पास आ गई थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन दैट वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट वाई का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये क्वांटिटी बन जाएगी। सिमिलरली आपने जो है वो वेरियंस ऑफ y गिवन दैट x निकालना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल मीन एंड कंडीशनल वेरियंस है विद कंडीशनल लिमिट्स। काम फार्मूले सारे वही अप्लाई होंगे, सिर्फ यहाँ पे जो है वो लिमिट्स कंडीशनल है। अब कंडीशनल लिमिट्स का क्या मतलब है, मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं आपको करवा रही, मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी यहाँ पे देखें कि हमें लिमिट्स जो है वो कंडीशनल है। कंडीशनल लिमिट्स का मतलब ये है कि देखें, 0 इज लेस देन एक्स वन, इज लेस देन एक्स टू, इज लेस देन एक्स वन। एक्स वन की लिमिट अगर देखूँ तो वो फ्रॉम 0 टू एक्स टू है, और अगर एक्स टू की लिमिट देखूँ तो इट इज फ्रॉम एक्स वन टू 1। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि दे आर हैविंग कंडीशनल लिमिट्स, कि इनकी जो लिमिट्स हैं वो कंडीशनल है। एक्स वन की लिमिट जो है वो एक्स टू पर डिपेंड कर रही है, और एक्स टू की लिमिट जो है वो एक्स वन पर डिपेंड कर रही है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमें एफ ऑफ एक्स वन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा जो है वो वेरिएबल को एक्स वन और एक्स टू कर दिया है। एक्स वन एक्स टू में भी आप कर सकते हैं, एक्स और वाई में भी कर सकते हैं, वाई और जी में भी, किसी भी तरह से आपको जो है वो वेरिएबल की नोटेशन चेंज करके आ सकती है। यहाँ पे जो है वो अब एक्स वन और एक्स टू में हो गया, तो मुझे चाहिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वन, एक्स वन चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स टू, और लिमिट भी एक्स टू की ही अप्लाई करूंगी। एक्स टू की लिमिट यहाँ से देखने किसके इक्वल है, फ्रॉम एक्स वन टू 1। इंटीग्रेट करेंगे इट इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस एक्स वन। अब ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें, क्योंकि यहीं से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखें कि जब मैंने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू इस कंडीशनल लिमिट में, इट्स मीन इंटीग्रेट करके मैंने इस एक्स टू को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास x1 की लिमिट सिर्फ क्या रह जाएगी, फ्रॉम 0 टू 1।
ये देखिए मैंने एरो कर क्रॉस में एरो कर देती हूँ, इट्स मीन एक्स टू इंटीग्रेट होके बाहर चला गया और एक्स वन की लिमिट सिर्फ क्या आ जाएगी फ्रॉम जीरो टू वन। इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स वन फंक्शन है उसमें लिमिट आएगी सिर्फ एक्स वन की फ्रॉम जीरो टू वन। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स टू है तो हम इंटीग्रेट करेंगे अपोजिट के साथ, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन। एक्स वन से हमने जो है वो इसकी इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ लिमिट देख लें, एक्स वन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन है तो इसकी लिमिट जो है वो हमारे पास आ जाएगी एक्स वन की फ्रॉम जीरो टू एक्स टू। ये मेरे ख्याल में मैंने यहाँ लिमिट मिस्टेकनली गलत लिख दी है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ से मेरे पास जो लिमिट आएगी एक्स वन की वो आ जाएगी फ्रॉम जीरो टू एक्स टू। इसको प्लीज देख लीजिएगा, इसको ठीक कर लें, मुझे लगता है कि मैंने इसको लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो इसको करेक्ट कर लें या मैं ये नोट्स दोबारा आपको सेंड कर दूंगी। यहाँ से एफ ऑफ एक्स टू की जो हमारे पास लिमिट आएगी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन इंटीग्रेट करनी है, इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज़ फ्रॉम जीरो टू एक्स टू। कंडीशनल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला कंडीशनल का पीछे गिवन था आपको, इसी तरह से आपने एक्सपेक्टेशन का भी आपको फार्मूला गिवन था, कंडीशनल मीन जो मैंने पीछे करवाया था उसी तरह से हमने कंडीशनल मीन निकालना है, उसी तरह से हमने कंडीशनल वेरिएंस निकालना है जो मैं आपको लास्ट पेज इस पे बता चुकी हूँ, और ये आपके पास जो है क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर उसी तरह पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ जो है वो यहाँ पे लिमिट्स के अंदर चेंज आएगा। ये लिमिट्स मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे इसको मिस्टेकनली गलत कर दिया, मैं आपको इसको दोबारा नोट सेंड कर दूंगी, ठीक है। बाकी काम सारा वही होगा, एक्स वन की लिमिट अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू कर रहे हैं तो x2 की लिमिट x1 टू 1 हो जाएगी, और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x1 कर रहे हैं तो x1 की लिमिट जो है वो फ्रॉम 0 टू x2 हो जाएगी। सिर्फ कंडीशनल लिमिट का डिफरेंस आएगा, बाकी सारे फार्मूले वही रहेंगे, उसी तरह से उसी पैटर्न पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें देख लें x2 की लिमिट है फ्रॉम 0 टू x1 और x1 की लिमिट है फ्रॉम x2 टू 1। आपने यहाँ पे कंडीशनल मीन और वेरियंस निकालना, सारे फार्मूला गिवन है, सिर्फ आपने कंडीशनल मीन इंटीग्रेट करके और वेरियंस इंटीग्रेट करके जो है वो फाइंड करना।